सब्सक्राइब कीजिए सिमरन्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, सिमरन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, श्रीखंड। श्रीखंड एक गुजराती रेसिपी है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो देख लेते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो श्रीखंड बनाने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आधा लीटर दही ले लिया है। दही को मैंने पेट के अच्छे से एक साइड में रख दिया है। साथ ही अब हमें चाहिए पीसी हुई चीनी। जब भी हम चीनी लेंगे, एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि चीनी हम पीसी हुई लेंगे, डायरेक्ट चीनी नहीं यूज़ करेंगे, ताकि इसमें जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक कप मैंने चीनी ले रखी है, लेकिन चीनी आप कितनी लेंगे ये आपके दही पर डिपेंड है। ये जितना ज़्यादा खट्टा दही होगा, उतनी ज़्यादा आपको चीनी लेनी पड़ेगी। केसर को मैंने दूध में बहुत ही अच्छे से पहले भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आ गया है। इलायची पाउडर ले लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 इलायची ले ली है। अब यहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब हम श्रीखंड बनाते हैं, उसमें इलायची पाउडर का एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जब भी हम इलायची पाउडर लें, तो हम बहुत पुरानी वाली जो इलायची पाउडर है वो नहीं लेंगे। फ्रेश जो कुटी हुई इलायची पाउडर रहेगी वो यूज़ करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता, काजू और बादाम, इसको मैंने हल्का सा कट कर लिया है लंबाई में, ये मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और श्रीखंड में डालने के लिए मैंने काजू और बादाम को लंबाई में काट लिया है। इसे हम श्रीखंड में डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो तब चलिए, यहाँ पे हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो ये देखिए, अब श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है वो है दही का चक्का बनाना। तो यहाँ पर हमने जो दही ले रखा था, एक बाउल ले लेंगे और बाउल में एक मलमल का कपड़ा डाल देंगे, या तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, वाइट वाला। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि दही जो है वो हम सारा इसमें डाल देंगे। तो अब दही को इसमें डालने के बाद में हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों से रुमाल को हमें इस तरह से, या कपड़े को हमें इस तरह से ऐसे उठा लेना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। और इस तरह से हम ऐसे उठा लेना है। इसे उठाने के बाद में हम हाथों से इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस कपड़े को हमें इस तरह से टाइटली ऐसे बांध देना है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से यहाँ पे नॉट डाल रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बांध दिया है। तो ये अब बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसे रात भर ऐसे ही टांग कर रख देंगे। आप इसे किसी भी जगह पर टांग सकते हैं, या तो आप इसे पतीले में भी रख सकते हैं, जिसमें आप जाली रख दो और नीचे से ये पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। रात भर में ये इस तरह से पानी सारा के सारा निकल जाएगा और हमारा जो चक्का है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब इसे मैं टांग देती हूँ और फिर हम देखेंगे। रात भर टांग के रखने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये बनकर बिल्कुल तैयार है। पानी जो है इसमें से बिल्कुल निकल गया है, अब इसमें से पानी नहीं ड्रेन हो रहा है। अब मैं इसकी गांठ खोल दूँगी। ये देखिए, अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि चक्का बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। इसे बाउल में निकालने के बाद में हम एक स्पून से, या तो फिर इस तरह से किसी चम्मच से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये जो है हल्का सा सॉफ़्ट हो जाए। अब हमें इसे तब तक के फेंट लेना है जब तक कि ये अच्छा सा हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो बिल्कुल इसी तरह से कम 5 से 6 मिनट तक के हम इसे ऐसे ही फेंटते रहेंगे। अब जब इसे फेंट रहे होंगे, आपको फील होगा कि हमने जो पहले फेंटना स्टार्ट किया था, उसके बाद में 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड कर देंगे चीनी। और चीनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड्स कर सकते हैं। जितना आपका दही खट्टा हो, उस हिसाब से आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अब इतनी ऐड की है, बाद में टेस्ट करके हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बात आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने चीनी ऐड करने के बाद में ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो के, और ये श्रीखंड जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से।
तो चीनी डाल के मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है। साथ ही में अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर वाला दूध। सारी चीज़ें अब हमने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि श्रीखंड का जो कलर है वो बहुत अच्छा आया है। तो केसर वाला दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के भी मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा जो श्रीखंड है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि इलायची पाउडर की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। केसर वाला जो दूध है उसने इसे बहुत अच्छा सा कलर दे दिया है और साथ ही में इसमें है ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखिए अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में या सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या तो फिर आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के और इसे ठंडा सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा श्रीखंड जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केसर के साथ में गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।